हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है इंटेंसिफाई स्क्रीन इंटेंसिफाई स्क्रीन क्या होती है वह इसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो आइए जानते हैं इंटेंसिफाई स्क्रीन के बारे में इंटेंसिफाई स्क्रीन यह रेडियोग्राफिक कैसेट का एक पार्ट होता है जो कैसेट के, के अंदर लगी होती है इंटेंसिफाई स्क्रीन एक्सरे फोटोन को एब्जर्वर मतलब अवशोषित करके अधिक विजिबल लाइट इमिट करती है मतलब यह एक्सरे फोटोन एनर्जी को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है इंटेंसिफाई स्क्रीन फ्लोरोसेंट मटेरियल की एक थिन मतलब पतली सीट होती है एक्सरे के फोटोग्राफिक इफेक्ट को इंक्रीज करने के लिए कैसीट में इंटेंसिफाई स्क्रीन का यूज किया जाता है इंटेंसिफाई स्क्रीन रेडियोग्राफिक इमेज की इफ़िशेंसी को इम्प्रूव करती है इंटेंसिफाई स्क्रीन किसी दिए गए फिल्म डेंसिटी के लिए एम ए एस डिक्रीज मतलब कम हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पेशेंट डोज कम हो जाती है अब इंटेंसिफाई स्क्रीन के प्रिंसिपल की बात करते हैं मतलब इंटेंसिफाई स्क्रीन किस प्रिंसिपल बेस पर वर्क करती है ल्यूमेने इंटेंसिफाई स्क्रीन ल्यूमिनेसेंस बेस पर वर्क करती है ल्यूमिनेसेंस क्या होता है रेडिएशन मटेरियल से लाइट के इमिशन मतलब उत्सर्जन को ही ल्यूमिनेसेंस कहा जाता है ल्यूमिनेसेंस टू टाइप का होता है फर्स्ट है फ्लोरोसेंस सेकेंड है फॉस्पोरेसेंस तो पहले फ्लोरोसेंस की बात करते हैं जब ओनली रेडिएशन के पीरियड के दौरान लाइट इमिट होती है तो उसे फ्लोरोसेंस कहा जाता है इंटेंसिफाई स्क्रीन में फोसपर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरोसेंस के दौरान फोस डिफरेंट कलर इमिट करता है सेकंड है फॉस्पोरेसेंस फॉस्पोरेसेंस को आफ्टर ग्लोबी कहा जाता है यदि लाइट एक्सपोजर स्टॉप के बाद भी कुछ टाइम तक इमिट होती है तो इसे फॉस्पोरेसेंस कहा जाता है फॉस्पोरेसेंस फिल्म फॉग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मतलब इससे फिल्म फॉग हो सकती है फोस्पोरेसेंस मॉडर्न इंटेंसिफाई स्क्रीन के लिए अच्छा नहीं होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेंसिफाई स्क्रीन इंटेंसिफाई स्क्रीन फोर लेयर की बनी होती है बेस रिफ्लेक्टिव लेयर फोस्पर लेयर और प्रोटेक्टिव लेयर बेस फिल्म से सबसे दूर की लेयर होती है और प्रोटेक्टिव लेयर फिल्म के पास होती है इन सभी लेयर्स को हम डिटेल में जानते हैं फर्स्ट लेयर है बेस बेस कार्डबोर्ड और पोलिस्टर का बना होता है यह लेयर फिल्म से farthest मतलब फिल्म से सबसे दूर की लेयर होती है यह लेयर लगभग वन एम एम थिक मतलब मोटी होती है बेस स्ट्रॉन्ग केमिकली रूप से निष्क्रिय फ्लेक्सिबल, मॉइस्चर और इम्प्यूरिटी से फ्री होती है सेकेंड लेयर है रिफ्लेक्टिव लेयर यह लेयर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बनी होती है रिफ्लेक्टिव लेयर बेस और फॉस्पर लेयर के बीच में एक थिन मतलब पतली लेयर होती है यह लेयर लाइट को फिल्म से रिडायरेक्ट करती है इस लेयर की थिकनेस 25 माइक्रोमीटर होती है अगर यह लेयर इंटेंसिफाई स्क्रीन में नहीं होती तो ओनली हाफ लाइट ही फिल्म के साथ इंटरेक्ट करती थर्ड लेयर है फॉस्पर लेयर यह लेयर इंटेंसिफाई स्क्रीन की एक्टिव लेयर होती है यह लेयर एक्सरे द्वारा स्टूमुलेट या उत्तेजित होने पर फोस्पर लाइट इमिट करते हैं मतलब यह लेयर एक्सरे फोटोन को लाइट फोटोन में कन्वर्ट करती है कॉमनली यूज फोस्पर कैल्शियम टंगस्टेड जिंक कैडमियम सल्फाइड सीजियम आयोडाइड बेरियम स्ट्रॉन्टियम सल्फाइड 1970 तक कैल्शियम टनगस्टेड का यूज किया जाता था और यह ब्लू लाइट इमिट करता था मॉडर्न स्क्रीन में इसका यूज नहीं किया जाता है मॉडर्न स्क्रीन में रेयर अर्थ मटेरियल का यूज किया जाता है जैसे गार्डोलिनियम लेंथेनम और इट्रियम इन तीनों की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है इसलिए मॉडर्न स्क्रीन में इन्हीं का यूज किया जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्पर फॉस्पर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए फॉस्पर का हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए फोस्पर एक्सरे फोटोन को ज़्यादा एब्जॉर्बन करता है इसलिए हम इसे क्वांटम डिटेक्टिव इफिशेंसी भी कहते हैं फोस्पर लेयर की एबिलिटी होनी चाहिए कि वह पर एक्सरे फोटोन पर ज़्यादा मात्रा में लाइट फोटोन इमिट करे। इसे हम कन्वर्शन इफिशेंसी भी कहते हैं फोस्पर से इमिटेड लाइट की वेवलेंथ एक्सरे फिल्म की सेंसिटिविटी से मैच होनी चाहिए इसलिए हम इसे स्पेक्ट्रल मैचिंग भी कहते हैं फोस्पर का आफ्टर ग्लो मिनिमम होना चाहिए फोर्थ और लास्ट लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्टिव लेयर प्लास्टिक की बनी होती है यह लेयर इंटेंसिफाई स्क्रीन की सबसे आउटर सरफेस पर होती है यह लेयर फिल्म को हैंडलिंग के टाइम डैमेज और अबेरशन मतलब घर्षण होने से बचाती है प्रोटेक्टिव लेयर फोस्पर को प्रोटेक्ट करती है यह लेयर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी प्रतिरोधी होती है यह लेयर वाटरप्रूफ और लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट होती है इंटेंसिफाई स्क्रीन की टोटल थिकनेस लगभग 15 मिल्स होती है 10 मिल्स में 254 माइक्रोमीटर होते हैं एमएम में इंटेंसिफाई स्क्रीन की थिकनेस 0.4 पॉइंट होती है सो so फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में क्रैक्टास्टिक ऑफ इंटेंसिफाई स्क्रीन और क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें व इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा